हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आंवला बहुत फ़ायदा करता है। ये हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और इसमें विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो हमें आंवला दबाकर खाना चाहिए। मतलब दबाकर ये नहीं कि आंवला लिया, दबाया और फिर खाया। मेरा मतलब ये है कि आंवला जितना खा सकते हैं ना, हमें इस सीज़न में उतना आंवला खाना चाहिए। पर पता क्या है, इसका जो टेस्ट है ना, वो काफ़ी कसैला होता है, तो हम ज़्यादा आंवला खा नहीं पाते। तो फिर हम क्या करते हैं, इसकी सब्ज़ी बनाते हैं, इसका अचार बनाते हैं, इसका मुरब्बा बनाते हैं। तो मैं आज आंवले की बहुत टेस्टी सी मिठाई बनाने जा रही हूँ। आई होप आपको ये मिठाई बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए और इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए फिर वीडियो पर चलते हैं। मैंने एक बर्तन में 1.5 से 2 गिलास पानी डाला है और इसको गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। मैंने लिए हैं 750 ग्राम आंवले और देखिए आंवलों को मैंने पिलर से थोड़ा छील लिया है, आप देख सकते हैं। अब इन आंवलों को हम इस पानी में डालेंगे। इसको हम ढक देंगे और 7-8 मिनट ढककर पकाएंगे। आंवलों को थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। आंवलों को पकते हुए 8-9 मिनट हो गए हैं। गैस मैंने मीडियम कर रखी थी, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हम चम्मच से देखेंगे, आंवले सॉफ्ट हो गए हैं। सॉफ्ट हमें इतने करने हैं कि आराम से इनके बीज निकल जाएं और कलियां अलग हो जाएं। तो मैंने जब छू के देखा, मुझे लगा कि आंवले हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। यहाँ पर मैं गैस को बंद कर दूंगी और इन आंवलों को छान लूंगी और थोड़ा सा ठंडा कर लूंगी। तो गैस को मैंने बंद कर दिया है। ये आंवले हैं, आंवलों को थोड़ा सा मैंने ठंडा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, आंवलों को या तो हम चाकू से छील लें या फिर हम हाथ से भी कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं नाइफ से इस तरह से जो इनकी कलियाँ हैं वो अलग कर रही हूँ और बीजों को हम अलग कर लेंगे। ये देखिए मैंने गुठली कैसे अलग कर ली है। सारे आंवलों के साथ हम सेम प्रोसेस करेंगे। तो सारे आंवलों से मैंने बीजों को अलग कर लिया था और कलियों को अलग। अब इनको हम ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। आंवले हल्के से गरम हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गरम आप ग्राइंडिंग जार में मत डालें। तो देखिए सारी कलियां मैंने जार में डाल ली हैं। इसको अब हम ग्राइंड करेंगे और इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार करेंगे। देखिए बहुत अच्छा सा फाइन पेस्ट तैयार हो गया है। आपको इसको दरदरा नहीं रखना है, अच्छे से पीसना है। अब मैंने एक पैन लिया था जिसे गरम कर लिया है और ये देखिए मैंने कटोरी में डाला है। तो भर कर जो इसका मिश्रण हुआ है, आंवले का जो पेस्ट हुआ है, वो भर कर एक कटोरी हुआ है। तो एक कटोरी आंवले का पेस्ट है। तो इस पैन में हम 2 कटोरी, ध्यान दीजिएगा, 2 कटोरी भरकर चीनी डालनी है। कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि आंवले खट्टे होते हैं, तो 2-2.25 कटोरी चीनी इसमें डल जाती है। गैस को यहाँ पर हम लो रखेंगे, साथ ही हम डाल देंगे आंवले वाला पेस्ट। किसी स्पैचुला से इसे चलाएंगे। धीरे धीरे चीनी पिघलने लगेगी और एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। आपने लगातार चलाना है। देख सकते हैं गाइस, चीनी घुलने लगी है। हमें इसे अच्छे से घोलना है। चीनी अच्छे से डिसॉल्व हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नींबू का रस। इससे क्या होता है, जो चीनी होती है वो कैरमेलाइज नहीं होती। फिर से लगातार चलाएंगे और गैस को लो मीडियम के बीच रखेंगे। आप देखेंगे धीरे धीरे जो ये पेस्ट है वो गाढ़ा हो जाएगा और जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो थिक हो जाएगी, जैसे हम बर्फ़ी जमाते हैं ना, उस तरह से। तो आपको ध्यान रखना है, लगातार इसे चलाना है। मिश्रण को चलाते हुए 7-8 मिनट हो गए हैं। देख सकते हैं कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो गई है और कितनी एक अच्छी सी शाइन आ गई है इसमें। अब आप देखेंगे मैं इसको गिरा रही हूँ ना, तो ये किस तरह से बाइंड होकर गिर रहा है, मतलब इसकी एक फॉलिंग कंसिस्टेंसी नहीं है। आप देखिए जुड़कर गिर रहा है ना। बस इसी स्टेज पर हमें क्या करना है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने लिया है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। इसमें मैं 2 से 3 चम्मच पानी डालूंगी। तो पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसे हम मिश्रण में डाल देंगे। फ्रेंड्स, इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग मिलती है। तो कोई भी रेसिपी होती है, जब हमें उसे जमाना होता है तो हम कॉर्नफ्लोर का यूज़ करते हैं ताकि वो अच्छे से बाइंड हो जाए। बस अब हमें 2 से 3 मिनट इसे और पकाना है। मैं डाल रही हूँ लास्ट में 1 चम्मच देसी घी। इससे हमारी रेसिपी को बहुत अच्छी शाइन मिलेगी। ये काम आपको एंड में करना है। घी को अच्छे से पिघला लेंगे
और एक मिनट इसे और चलाएंगे तो टोटल 12-13 मिनट में हमारी ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। इसी बीच हमें क्या करना है, जिस प्लेट में जिस थाली में आप बर्फी को जमाएंगे उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो मैं इस बेकिंग ट्रे में जमा रही हूँ, मैंने इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है, आप देख सकते हैं। ये काम आप पहले ही कर लें। बस अब हमारा जो मिश्रण है वो जमने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत अच्छे से इसने पैन को छोड़ दिया है, आप देख पा रहे हैं। मैं आपको एक बार पास से भी दिखा देती हूँ और कितनी प्यारी सी इसमें शाइन आई है। तो बस गाइज, यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे और मिश्रण को फटाफट से हम बेकिंग ट्रे में डाल लेंगे। वाओ, कितना प्यारा कलर लग रहा है। हमने इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं किया है, बिल्कुल नेचुरल कलर आया है इसका। तो सारा मिश्रण डालने के बाद हम स्पैचुला से इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे। तो स्पैचुला से इवनली स्प्रेड करने के बाद हम इसे 2 घंटे रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। चलिए इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी मिठाई लग रही है, बिल्कुल आंवले की जेली लग रही है। इतनी ज़्यादा शाइनिंग, बिल्कुल परफेक्ट, और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, एक बार ट्राई ज़रूर करें, और रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।